बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दूधली में शनिवार को हुई युवक की हत्या का वीडियो सामने आया है। इसमें सड़क पर पड़े युवक को ईंट पत्थरों से पीटते हुए युवक दिखाई दे रहा है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के ग्राम दूधली में शनिवार की शाम को समय हड़कंप मच गया, जब सराई मां का रहने वाला आसिफ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं वायरल वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने बताया कि वायरल वीडियो बिजनौर के थाना किरतपुर का है व घायल व्यक्ति का नाम आसिफ है। आसिफ अपने ससुराल मिलने के लिए गया था, जहां उसके दो सालों लियाकत और नजाकत ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं लियाकत और नजाकत को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सेकंड, अब नाम बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोहिद है। तोहिद, ये जो मर्डर हुआ है, कैसे हुआ और क्या मामला हुआ? ये अपनी घरवाली से मिलने गया था, कोर्ट मैरिज हुआ था इनका 3-4 साल पहले, वो भेज नहीं रहे थे, किसी कारण इनमें झगड़ा हुआ है, इसके कारण वो हुआ है। कौन है वो लोग? वो लोग दूधली के रहने वाले, उसके भाई है और उसके रिश्तेदार है, सब मिल के। ये मरने वाला कौन है? मरने वाला आसिफ है। क्या लगता है आपका? ये हमारे गाँव का ही है, सराई में। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति एक घायल पड़े व्यक्ति को पत्थर से मार रहा है, पीट रहा है। इसको हमें अवगत कराना है कि वीडियो 9 सितंबर की शाम का है, जिसमें एक व्यक्ति, इसका नाम आसिफ है, वो अपनी ससुराल दूधली गांव गया था, जो कि किरतपुर थाना क्षेत्र में पड़ती है। तो जहाँ पर उसके ससुराल जनों ने, उसके दो सालों ने, जिनके नाम लियाकत और नजाकत है, उसकी पीट कर हत्या कर दी थी। आसिफ की शादी 4-5 वर्ष पूर्व कौशल जहाँ से हुई थी, इनके बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। ससुराल वालों ने आसिफ को ससुराल में बुलाया था 2 दिन पूर्व, तो जहाँ पर घेर कर उसकी हत्या कर दी थी। उसके दो ब्रदर इन लॉ लियाकत और नजाकत, जिसमें एक लियाकत जो कि वीडियो में दिख रहा है, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पीछे थी।